सभी मेटल काउंटर्स में आज प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए वो देखने को मिल रही है। नालको, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, ये सभी एफएनओ के टॉप लूजर्स में शामिल है, पर वेदांता यहाँ पे करीब 2.5% की तेजी है। कैसे देख रहे हैं आप वेदांता की इस चाल को, और क्या बाकी मेटल काउंटर्स में ये गिरावट एक मौका है खरीदारी करने के लिए? बिल्कुल, हमें अपना एक स्ट्रेंथ एनालिसिस का अपने मॉडल बनाया हुआ है, जहां पे हम सेक्टर की रैंकिंग करते हैं और सेक्टर की फ्रीक्वेंसीज देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में, लेट्स से कि आपका जो रिसेंट अपसाइड मोमेंटम है वहां पे कौन से सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, वीकली बेसिस पे, 4 वीक की एवरेज, मंथली बेसिस पे, 3 मंथ की एवरेज, तो जो टाइम फ्रेम को हमें अक्रॉस द टाइम देखने मिला हुआ है, तो वहां पे मेटल सेक्टर सभी में हमें कॉमन देखने मिलते हैं। लेकिन मेटल सेक्टर्स में भी अगर हम उसके कंपोनेंट को समझते हैं, तो जो आपके नॉन फेरस स्टॉक्स थे वहां पे भारी भरकम मोमेंटम देखने में मिली हुई थी, जैसे कि नेशनल कॉपर जैसे स्टॉक है वो 94% इस अपसाइड मोमेंटम में बने हुए, तो उसका रैंकिंग काफी ज्यादा आ जाता है। लेकिन फेरस स्टॉक्स में भी, यानी जो स्टील की कंपनीज है, वहां पे भी हमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिली थी, लेकिन काफी अपसाइड मोमेंटम के बाद में अगर मैं अभी मेटल स्टॉक्स का इंडेक्स देखता हूँ, तो कहाँ ना कहाँ पे इंडेक्स का पिछले कुछ अगर रेजिस्टेंस लेवल तो आ रहा है, हालांकि ये कोई रिवर्सल साइन या फिर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन अच्छे 7 से 8 हफ्तों के अपसाइड मोमेंटम के बाद में थोड़ा सा राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग बनता है। मेटल इंडेक्स का लेवल अभी मैं देखता हूँ तो 7,900 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है, लेकिन नीचे में 7,780 का एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा, तो थोड़ा सा वीकनेस राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन 7,780 के यहाँ पे एक फिर से बाय अपॉर्चुनिटी देखने मिलती है। मेटल इंडेक्स और डॉलर इंडेक्स का एक इनवर्स कोरिलेशन होता है, तो जहां पे जितना डॉलर वीक करता होता जाएगा वहां पे हमें मेटल में ज्यादा शाइन देखने मिलेगी, लेकिन इमिडिएटली 7,780 तक का वेट करें, नीचे में बाय की अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिल सकती है।